तो ये है मेरे पास गाड़ियों में डलने वाला कूलेंट, अपने फ्रीजर में जमाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या ये फ्रीज होता है कि नहीं। तो लगभग एक दिन हो गया है, एक्चुअली दो दिन हो गया, हम लोग जिम कॉर्बेट चले गए, आओ देखते हैं कि -16 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे मैं पहले देख चुका हूँ, ये फ्रीज हुआ होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये लिक्विड फॉर्म में है। अब मैं इसको दोबारा से फ्रिज के अंदर रखने वाला हूँ, का जो टेम्परेचर है वो मैं -23 पे, क्योंकि लोएस्ट इतने पे जा सकता है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि ये फ्रीज हो जाना चाहिए, 23 पे भी होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे। बट -23 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हुआ, इसमें ग्लाइकॉल है। अब ग्लाइकॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -13 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये 100% ग्लाइकॉल तो होगा नहीं, गाड़ी में हम लोग कूलेंट डालेंगे और मान लो मैं पहाड़ों पर चला जाऊं जहां पे टेम्परेचर -5 -10 डिग्री सेल्सियस है और सिर्फ वाटर यूज करूंगा तो वो तो मेरे पाइप्स के अंदर फ्रीज हो जाएगा और गाड़ी चलेगी नहीं। तो इसलिए इसको एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन के रूप में भी यूज करते हैं। कूलेंट है।